जय सतगुरुदेव आज एक मैं ख़ास विषय बताने जा रही हूँ और उसके पहले बताने के पहले एक बात बता देती हूँ बहुत सारे भाई बहन हैं वो उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है उसमें एक मैं भी हूँ मुझे भी नहीं आता था तो जब नया नया मोबाइल आया तो अब जब हमें सत्संग सब्सक्राइब करना होता था हर जितनी बार सत्संग आता था उतनी बार हम लोग सब्सक्राइब कर लेते थे ये नहीं उतनी बार ही लाइक कर देते थे एक्चुअली पता नहीं था लेकिन जब बाद में पता चला हमें तो कि भाई एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है ऐसे बहुत सारे भगत भी है ना ये जाने अनजाने में गलती करते हैं वो वो करते तो अच्छे के लिए लेकिन वो हो जाता है एक बार सब्सक्राइब हो जाता है एक बार अनसब्सक्राइब हो जाता है इसलिए एक तो हमें ना हर टाइम एक ही बार सब्सक्राइब करना है और कोई भी चैनल में कुछ आए तो लाइक और कमेंट कर सके तो ज़रूर करना है तो ये हमारे नई जानने से हमें अज्ञानता बस हम करते हैं लेकिन जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो हम ये नहीं करते उसी विषय के ऊपर में एक बहुत अच्छा एक बार क्या हुआ एक शिष्य था तो उसने गुरु जी को है ना ऐसी पूछ लिया कि भाई शिक्षा का निचोड़ क्या है तो गुरुजी ने कहा एक काम कर बेटा मैं ये पुस्तक ले जा और है ना वहाँ टेबल पे रख के आ जा और वहाँ पे एक पुस्तक पढ़ी है उसको तुम वापस मेरे पास लेके आ जा तो वो पुस्तक लेके है ना कमरे में गया लेकिन वो तत् तुरंत ही लौट के आ गया और वो बहुत डर डर रहा था और बहुत काँप रहा था संत ने पूछा बेटा क्या हुआ इतने डरे हुए क्यों हो तो शिष्य ने कहा गुरुवर कमरे में सांप है संत ने कहा ये तुम्हारा भ्रम होगा कमरे में सांप कहाँ से आएगा तुम फिर जाओ और किसी मंत्र का जाप करना सांप होगा तो भाग जाएगा शिष्य दोबारा कमरे में गया उसने मंत्र का जाप भी किया कई देर खड़ा रहा लेकिन सांप वहाँ से टस से मस नहीं हुआ वो डर कर फिर बाहर आ गया और संत से बोला सांप वहाँ से जा नहीं है गुरुवर तो संत ने कहा इस बार दीपक लेकर जाओ सांप होगा तो दीपक के प्रकाश से भाग जाएगा इस बार इस बार उसने एक दीपक जलाया और आराम से वो वहाँ पे कमरे में गया और उसने बड़े ध्यान से देखा कि सांप गया कि नहीं गया लेकिन सांप की जगह तो वहाँ रस्सी लटकी हुई थी अंधकार का अंधकार हो के कारण उस रस्सी को का जो टुकड़ा था वो सांप नजर आ रहा था जो बाहर आकर ने कहा गुरुवर वहाँ सांप नहीं वहाँ तो रस्सी का टुकड़ा लटका हुआ था और अंधेरे में मैंने सोचा कि वो सांप है और उसको सांप समझ लिया सन्ने का वत्स इसी को भ्रम कहते हैं संसार गहन जाल में जकड़ा हुआ है वो बावन अक्षरी ज्ञान में जकड़ा हुआ है कि उसे मोक्ष चाहिए और वो मूल चीज को नहीं जानता है तो ज्ञान के प्रकाश से इस इस भ्रमजाल को मिटाया जा सकता है यही शिक्षा का निचोड़ है वार्सों में अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे जाल पाल लेते हैं और बहुत सारे बावन अक्षरी ज्ञान को मोक्ष पाने के लिए हम है भटकते रहते हैं जगह जगह तो जब तक हमारा मूल ज्ञान के द्वारा आंतरिक दीपक का अभाव रहेगा तब तक हम मोक्ष का ज्ञान नहीं पा सकेंगे तो ये आंतरिक दीपक का प्रकाश ही है ना हमें आगे से आगे बढ़ाता है स्वध्याय और स्वाध्याय और ज्ञान ज्ञान ज्ञानार्जन से मिलता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब आंतरिक का दीपक का प्रकाश प्रज्वलित जब तक नहीं होगा और जब तक हम बावन अक्षरी ज्ञान में रहेंगे तब तक हम ब्रह्म जाल से मुक्ति नहीं पा सकते हैं और अगर बावन अक्षर से हमें मुक्ति पाना है तो हमें मूल ज्ञान कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल जरूर देखना चाहिए जहाँ पे नी शब्द का आपको बताया जाता है कि वो भाई जो बिना शब्दों के जो मोक्ष पाने का मार्ग है वो बताया जाता है आप एक बार जरूर देखें सबको अपना अपना कल्याण करना है और आगे बढ़ना है और ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसीलिए कि हम चौरासी लाख योनि से निकले तो उस उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें ज़रूर कैद कबीर सुनो भाई साधु चैनल देख के और ज्ञान समझ के और अपना जितना भी ये हमारा भ्रम है जो हम अंधेरे में हैं अभी तक जिस तरह वो आ, शिष्य था वो रस्सी को ही सांप समझ रहा था उसी तरह हम भी है ना बावन अक्षरी को ए, मोक्ष का मार्ग समझ रखे हैं जो हमें चौरासी में बार बार लाता है इसीलिए हमें बावन अक्षरी ज्ञान से हटके ही हम मोक्ष का ज्ञान पा सकते हैं और बोला हुआ भी है दो अक्षर का भेद बताए एक छुड़ाए एक लिखाए तब प्राणी घर निज घर को जाए तो इसके बारे में जानना है तो एक बार जरूर कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल देखिए इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का कल्याण हो मंगलमय हो और परमात्मा आप सब पे दया करें और आपने जो सोचा है कि हमें मोक्ष मिले तो मालिक से सभी के लिए दुआ है कि सब सभी, सभी परमात्मा सभी को मंगल करें जो सच्चे दिल से सोचता है सच्चे दिल से सही मार्ग जिसको मिल जाता है वो जरूर आगे बढ़ता है और अपना लक्ष्य मनुष्य जीवन का पूरा हासिल करता है धन्यवाद परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि शुक्रिया कोटि बार प्रणाम करती हूँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये विषय अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा कमेंट करिएगा धन्यवाद